रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेलवे स्टेशन, ये सभी तबाह किए जा चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में आज भी बातचीत होनी है, दूसरे दौर की बातचीत होनी है। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर ये बैठक होनी है। दोनों देशों के टॉप ऑफिसर्स के बीच में, दोनों के बीच सीज फायर पर चर्चा होगी कि युद्ध जो चल रहा है पिछले 8 दिन से किस तरीके से उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। लेकिन अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, शांति वार्ता हुई है, वो बेनतीजा रही है। लेकिन आज एक बार फिर से नए सिरे से बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर ये बातचीत होनी है। दोनों के बीच में सीज फायर पर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से इस युद्ध को थामा जाए, इस युद्ध पर विराम लगाया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए नुकसान केवल और केवल लोगों की जान का हो रहा है, लोगों की मौत लगातार होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, रशिया को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है। लेकिन हमले लगातार रूस की सेना की तरफ से जारी है। और ऐसे में दोनों देशों के बीच में दूसरे दौर की बातचीत आज एक बार फिर से होनी है। एक बार फिर से उम्मीदें इस बातचीत को लेकर बनती हुई नजर आ रही है कि क्या वाकई बिना शर्तों के आधार पर आगे कुछ नतीजा निकल सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल बहुत से ऐसे देश है जो कि इस पूरी बातचीत पर नजर बनाए हुए है। भारत भी ये कह चुका है कि देखिए बातचीत ही सबसे सटीक उपाय है इस युद्ध को रोकने के लिए। जिस तरीके से नरसंहार वहां पर हो रहा है उसे थामा जाए। जसप्रीत का हम रुक कर लेते हैं, जसप्रीत के पास एक बड़ी खबर। जसप्रीत, ओवर टू यू।